सो गाइस, आज इस वीडियो में वो बता दूंगा कि इस तरह से आप यूटीआई पोर्टल से कोई भी पैन कार्ड का करेक्शन आप कर सकते हो, वो भी सिर्फ 100 रुपीज में। सो गाइस, अगर आपको यूटीआई का पीएसए पोर्टल है या फिर यूटीआई का एजेंट हो, अगर आप कस्टमर के लिए पैन कार्ड अप्लाई करते हो, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, अगर पैन कार्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है तो उस गलत इंफॉर्मेशन को किस तरह से करेक्ट करोगी, किस तरह से आपको करेक्शन फॉर्म को अप्लाई करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बनाना है, किस तरह से फोटो एंड साइन को अपलोड करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको पैन कार्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, आप न्यूली आईडी लिया था या फिर पीएसए आईडी लेकर काम करने में आप इंटरेस्ट हो, तो आज का वीडियो आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करके पूरा एंड तक जरूर देखो। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा यूटीआई पैन करेक्शन का ऊपर। तो इससे पहले एक वीडियो बना दिया था जहां बताया गया सिर्फ 100 रुपीज में आप किस तरह यूटीआई के लिए न्यू पैन कार्ड अप्लाई करोगी। तो मैंने ई केंद्रा का जो पैन पोर्टल है, इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ यूजर नेम एंड पासवर्ड से। अगर आपको आईडी पासवर्ड चाहिए, इसका आईडी लेना चाहते तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में मेरा नंबर मिल जाएगा। तो इसी पोर्टल में आप एनएसडीएल का इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हो, यूटीआई पैन कार्ड बना सकते हो, मोबाइल रिचार्ज डीटूवी रिचार्ज कर सकते हो। इसके अलावा भी आप पैन फाइन मतलब पैन नंबर आप पता कर सकते हो, अगर आपका पैन नंबर खो चुका है तो। तो बहुत सारे सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, तो सभी का वीडियो मेरा चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप मेरा चैनल को देख सकते। तो आज इस वीडियो में दिखा दूंगा किस तरह से पैन कार्ड करेक्शन करना है, वो भी यूटीआई से। तो यूटीआई पीएसए लॉगिन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया था। सो यूटीआई का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। करेक्शन करने के लिए थर्ड जो ऑप्शन है अप्लाई चेंज और करेक्शन, सिंपल इसमें क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वेस्ट फॉर चेंज और करेक्शन इन पैन डेटा सीएसएफ, फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे करना है क्लिक। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैन सीएसएफ फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो फॉर्म को आपको सही से फिल करना है। सबसे पहले फिजिकल एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन को इसको रीड कर सकते हो, ये जो फिजिकल मोड क्या है। तो मैं पिछले वीडियो बता दिया था फिजिकल एप्लीकेशन क्या है और डिजिटल एप्लीकेशन क्या है। तो आप नहीं देखा फर्स्ट बार वीडियो, वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो फिजिकल एप्लीकेशन मींस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होता है, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर दिया था। तो आज इस वीडियो में मैं फिजिकल मोड ही अप्लाई करूंगा। एंड डिजिटल मोड क्या होता है, जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कुरियर नहीं करना है, बस आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आप ओटीपी द्वारा आपको डिजिटल ई साइन करके पैन करेक्शन अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज कस्टमर का फिंगरप्रिंट मतलब बायोमेट्रिक कैप्चर करके भी पैन करेक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी पैन नंबर में करेक्शन करना है या फिर साइज से फिल करना है, उसको एंटर करोगे तो फिर से दोबारा पैन नंबर को कंफर्म करने का पूछेगा। तो दोबारा पैन नंबर को कंफर्म करना है, एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल के नीचे आना है, जहाँ पे पैन कार्ड मोड आपको चूज करना है। अगर बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड चूज करो तो ईमेल में भी पैन कार्ड आएगा एंड बाय पोस्ट में भी पैन कार्ड आएगा। अगर सेकेंड ऑप्शन ई पैन ओनली चूज करो तो कोई भी फिजिकल पैन कार्ड आपका घर में नहीं आएगा, ओनली वर्चुअल पैन कार्ड आपको ईमेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से अप्लाई करना है, तो मुझे फिजिकल मोड को अप्लाई करना है, तो फिजिकल मोड को चूज कर लिया था। उसके बाद बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड चूज करना है। तो साइज डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट, आपको सबमिट बटन में करना है क्लिक, ठीक है। तो सबमिट बटन में मैं क्लिक कर लिया था। उसके बाद सबमिट में क्लिक करने के बाद इस तरह से एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसको ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 स्टेप को फॉलो करना है आपको कंप्लीट सीएसएफ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्किप ना करके बिल्कुल एंड तक देखो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मिल जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर एप्लीकेंट का जो नेम है उसको फिल करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का टाइटल, वो श्री होगा या कुमारी होगा या श्रीमती होगा, जो आपका अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। उसका नीचे व्यू फ्रॉम आईटीडी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑली जो डेटा है उसको क्लिक करना है, तो वो नाम कस्टमर का नेम आ जाएगा। मान के चलो ये कस्टमर का नेम बिल्कुल सही है, कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, तो आपको फिर से दोबारा पिकअप नेम फ्रॉम आईटीडी में क्लिक करना है, तो वो नेम यहाँ पे पिकअप हो जाएगा, मान यहाँ पे आ जाएगा। अगर पैन कार्ड के नाम नेम को करेक्शन करना है, तो आपका आधार कार्ड में जो भी नेम है सेम टू सेम नेम या फिर लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम देना है, अगर मिडिल नेम है तो भी देना है। देन या फिर टाइटल जो भी होगा उस टाइटल को भी या फिर लिस्ट से आप चूज कर लीजिए,
ठीक है। तो अगर आपका पैन कार्ड में या फिर कोई भी डेटा को करेक्शन करना है तो उसको सही से फिल करना है एंड उसका लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है उस बॉक्स में भी क्लिक करना है। ठीक है, देखो इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है अगर करेक्शन करना है। तो मेरे केस में पैन कार्ड का नाम बिल्कुल सही है, कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, तो मैं उसको छोड़ दिया था। उसका नीचे स्क्रॉल कर नीचे आना है जहाँ पे पेरेंट्स डिटेल्स, जहाँ पे एप्लीकेंट का फादर्स नेम करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस में पिकअप करोगी तो एप्लीकेंट का जो फादर्स नेम है पैन कार्ड में वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया गोपाल हड़करा। ठीक है, अगर ये नाम करेक्शन सही है, अगर ये नाम सही है तो फिर से पिकअप में क्लिक करो तो वो नाम ऑलरेडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम में आ जाएगा। अगर मान के चलो फादर्स नेम गलत है तो आपको सही नेम को फिल करना है एंड ये जो बॉक्स है उस बॉक्स में टिक कर देना है। अगर गलत करेक्शन नहीं करना है तो बॉक्स में मार्क नहीं करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है जहाँ पे सिलेक्ट पेरेंट्स नेम ऑन कार्ड, तो यहाँ पे फादर्स का नेम पैन कार्ड में चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन फादर्स नेम को चूज कर दीजिए। देन है डेट ऑफ बर्थ, अगर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है तो सही डेट ऑफ बर्थ आपको डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में देना है, बॉक्स में टिक करना है। जेंडर भी सेम है तो जेंडर को करेक्शन करना है तो बॉक्स में टिक कर देना है। ठीक है, उसका स्क्रॉल करके नीचे आना है जहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, तो एप्लीकेंट कौन सा राज्य में बिलोंग करता है वो इस लिस्ट में चूज कर लीजिए। तो मेरे केस में वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल चूज कर लिया था। उसका नीचे है एप्लीकेंट का आधार डिटेल्स, जो कि हमेशा इस बॉक्स में टिक करना है, हमेशा टिक करना है, कोई भी करेक्शन करो और नहीं करो। देन यहाँ पे आधार नंबर 12 भी आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है, एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा आधार नंबर पूछेगा, तो आधार नंबर को कन्फर्म करना है एंड आधार नेम, आधार कार्ड में जो भी नेम है आधार लेटर में सेम टू सेम सही स्पेलिंग में नेम को एंटर करना है एंड नेक्स्ट स्टेप में करना है क्लिक। तो जब नेक्स्ट स्टेप में जब क्लिक करोगी तो यहाँ पे इस तरह से डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपका 4 ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले है आइडेंटिटी प्रूफ, तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड को चूज कर लेना है। एड्रेस प्रूफ भी आधार कार्ड से सही हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड से सही हो जाएगा। अगर फादर्स नेम को करेक्शन करना है तो वहाँ पे वोटर कार्ड लगेगा, तो मेरे केस में डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन किया था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कोई भी पैन कॉपी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट्स भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास पैन कार्ड है उसको स्कैन करके अपलोड करोगी तो आपको यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड जो 4th ऑप्शन है इसको 3rd ऑप्शन है यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैं नो डॉक्यूमेंट्स को चूज किया था क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है बट पैन नंबर भी है, वहां से मुझे करेक्शन करना है। देन मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है मेक पेमेंट में करना है क्लिक, तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन मैचिंग बुक पॉपअप आएगा जिसको ओके कर देना है। नेक्स्ट आएगा एड्रेस डिटेल्स, अगर पैन कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना है तो सही एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले सिलेक्ट एड्रेस कम्युनिकेशन जहाँ पे रेसिडेंस चूज करना है, उसके बाद जो भी एड्रेस है, जो भी विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस है, सब डिविजन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, सारी सारी चीज फिल करना है। अगर एड्रेस को अपडेट करना है तो लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है वहाँ पे टिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल कर नीचे आना है, आपको हमेशा टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, इसलिए बॉक्स में टेकआउट करना है, मार्क करना है। देन जो ISD कोड है इस लिस्ट से आपका जो कंट्री है इंडिया, तो इंडिया को इस लिस्ट से चूज कर लेना है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है या फिर टेलीफोन नंबर जो अपडेट करना चाहते हो वहाँ पे यह फिल करना है एंड ईमेल आईडी भी मास्ट देना है क्योंकि ईमेल में वर्चुअल कॉपी आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में करना है क्लिक। नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच, इसको आपको हमेशा इस बॉक्स में टिक करना है। जो भी फोटो आप देंगे वो फोटो अपडेट हो जाएगा, जो भी सिग्नेचर करोगे वो सिग्नेचर भी अपडेट हो जाएगा। देन आपको स्क्रॉल के नीचे आना है वेरिफिकेशन, जब आई एंड वी इस बॉक्स में क्लिक करो तो ऑलरेडी नाम आ जाएगा। हिमशिल्प एंड हाफ शिल्प के अंदर आपको हिमशिल्प हाफ से चूज करना है। अगर आप माइनर पैन कार्ड अप्लाई करोगी या माइनर पैन कार्ड करेक्शन करोगी तो आपको रिप्रेजेंटेटिव एसेस को चूज करना है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर सकते हो, मैं एक माइनर पैन कार्ड का वीडियो बना दूंगा। देन है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच करोगे स्कैन करोगे वो आपका लिस्ट से चूज करना है। 1, 2, 3, 4 जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आप चूज कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद है प्लेस, तो आपका शॉप का जो प्लेस है उस प्लेस का नाम यहाँ पे देना है। देन डेट तो रहेगा, आपको सबमिट में करना है क्लिक।
ठीक है। तो मेरा जो शॉप का जो एड्रेस है, प्लेस का नेम है, वो मैं यहाँ पे सही से फिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट का बटन है, सिंपल करना है सबमिट। तो सबमिट जब करोगी तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सीएस फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, कूपन नंबर है, वो जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे कस्टमर का नाम, कूपन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स का नेम, सब कुछ डिटेल्स फिल हो जाएगा। बाद में इस कूपन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से आप सर्च का सर ट्रैक कर सकते हो, तो ठीक है। इसको भी आप प्रिंट करके भी कस्टमर को आप दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या नेक्स्ट काम करना है, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड पैन का जो सीएसएफ फॉर्म, उसको स्कैन करके आप अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसलिए दोबारा यूटीआई पोर्टल में जाना है, जहाँ पे अप्लाई चेंज एंड करेक्शन के अंदर जाना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करो, तो जो भी पैन कार्ड अप्लाई करोगे करेक्शन के लिए, तो वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक ही एप्लीकेशन है जो अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इसलिए लास्ट में है क्रॉप एंड अपलोड, सिंपल वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फाइल चूज करने के बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइल में क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, सर्च करें पैन सी एस एफ फॉर्म। तो पैन सी एस एफ फॉर्म सर्च कर, तो फर्स्ट जो लिंक आएगा, सिंपल उस लिंक पे अगर क्लिक करो, तो पैन सी एस एफ फॉर्म या फिर पैन करेक्शन का फॉर्म आपका सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है, जो कि वन पेज का फॉर्म होगा, ठीक है। ये एक पता का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है एंड फिल करना है। फिल किस तरह करना है, सबसे पहले देखो दो साइड में दो फोटो का निशान है, ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक फोटो लगाना है पासपोर्ट साइड का, राइट साइड में भी फोटो लगाना है, राइट साइड में फोटो का नीचे जो बॉक्स है सिग्नेचर करना है, नहीं तो आपको थंब इंप्रेशन भी दे सकते हो जिसको सिग्नेचर नहीं आता है। लेफ्ट साइड में जो फोटो है, फोटो का ऊपर में आपको साइन करना है, एंड जो पैन कार्ड के करेक्शन करना है, उस पैन नंबर को यहाँ पे फिल करना है इस बॉक्स में। उसका नीचे है टाइटल, तो आपका अकॉर्डिंग टाइटल चूज करना है, जो पहले आपको बता दिया था, बस उसको मैनुअली यहाँ पे फिल करना है। एप्लीकेंट का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो भी हो देना है। उसका नीचे है प्रिंटेड नेम ऑन पैन कार्ड, पैन कार्ड में जो नेम आपको चाहिए वो नेम देना है। अगर पैन कार्ड का नेम करेक्शन करना है तो बॉक्स में टिक करना है, अदरवाइज बॉक्स में टिक्स नहीं करना है, बट हमेशा ऑल डिटेल्स को फिल करना है। सेम प्रोसेस में एज लाइक एट आप नेम की तरह फादर्स नेम भी करेक्शन कर सकते हो, अगर सही नेम है तो सही नेम देकर बॉक्स में टिक करो, अदरवाइज टिक नहीं करना है। उसके बाद फादर्स नेम इज एंड मदर्स नेम, तो फादर्स नेम चाहिए तो फादर्स में टिक करना है। सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है करेक्शन करना है, तो लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद जेंडर, जेंडर मेल और फीमेल जो भी करेक्शन करना है यहाँ पे टिक करना है, अदर छोड़ दीजिए। उसके बाद है फोटो मिसमैच एंड सिग्नेचर मिसमैच, इसको हमेशा टिक करना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, जो रेसिडेंट को चूज करना है एंड जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को सही से फिल कर देना है। उसके नीचे है, अगर उसके नीचे है स्टेट एंड पिन कोड एंड कंट्री नेम, जो कि आपको देना है इंडिया, एंड जिप कोड देना है, स्टेट का नाम देना है। उसके बाद आना है नौ नंबर कॉलम, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट, जहाँ पे बॉक्स में टिक करना है कंट्री कोड प्लस 91 देना है इंडिया का कंट्री कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर भी 10 डिजिट देना है। उसका नीचे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी फिल करना है। उसके बाद है आधार नंबर, तो आधार नंबर के 10 नंबर कॉलम में आपको आधार नंबर में हमेशा बॉक्स को टिक करना है, उसका आधार नंबर देना है। उसके नीचे है आधार नेम, तो आधार नेम जो भी है सही डिटेल्स में आपको आधार नेम को फिल करना है। उसके बाद अगला नंबर का 11 कॉलम को छोड़ दीजिए, 12 कॉलम में आ जाए, जहाँ पे आई एंड ओई बोल का जो बॉक्स है ब्लैंक पेज, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम देना है, कैपेसिटी ऑफ मे हिमसेल्फ मेल के लिए, हर से फीमेल के लिए देना है। उसके बाद कितना डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे वो आपको लेंडर करना है, डेट देना है, एंड यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको इस फॉर्म को स्कैन करना है, कुछ इस प्रकार में स्कैन करना है, एंड इस सीएसएफ फॉर्म के साथ भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है, जो कि मैं डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करूंगा, इसलिए आधार कार्ड में हो जाएगा। अगर आप फादर्स नेम करेक्शन करना चाहते हो तो आपको वोटर आईडी कार्ड को स्कैन करना है, एंड एक ही साथ अटैच कर लेना है। तो मेरे केस में ये जो फाइल ओनली 2 पेज का होगा, 1 पेज का सीएसएफ फॉर्म है एंड 2nd है आधार कार्ड, ठीक है, 2 पेज का फॉर्म होगा जो कि मैं स्कैन कर लिया था। अभी मुझे फाइल में जाकर ब्राउज करना है एंड उसी स्कैन फॉर्म को अपलोड कर देना है, ठीक है। जब मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पे इस प्रकार में अपलोड फाइल आ जाएगा,
मेरे के दो पेज है, तो आपके पास ज़्यादा पेज हो सकता है। जिन जो CSF फॉर्म है उस फॉर्म में क्लिक करना है, वो फॉर्म नीचे मिडिल में आ जाएगा, जहाँ से आपको फोटो एंड सिग्नेचर को क्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो फोटो का अंदर माउस लेकर जाना है, तो एक क्रॉप का निशान बन जाएगा। सिंपल इस फॉर्म फोटो को आपको क्रॉप करना है। आप जितना पोर्शन को पैन कार्ड में रखना चाहते हो, बट उतना ही पोर्शन को आप ड्रैग करके क्रॉप कर ड्रैग कर लेना है, मतलब स्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से फोटो सिलेक्ट किया था, ऊपर में क्रॉप इमेज में क्लिक किया था, तो फोटो क्रॉप हो चुका है। देन इस फोटो को ड्रैग करके फोटो के अंदर ड्रॉप कर देना है, तो ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। देन सिग्नेचर, सिग्नेचर आप आधार कार्ड से भी ले सकते हो, अदरवाइज आप CSF फॉर्म से भी दे सकते हो। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे, हमेशा स्कैन करने से पहले फॉर पैन पर्पस ओनली बोल के एक रबर स्टैम्प आपको मेंशन करना होगा वहाँ पे। ठीक है, देन जो सिग्नेचर है, सेम प्रोसेस में सिग्नेचर भी क्रॉप कर लिया था एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया था, तो फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देन नीचे ऑप्शन है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, सिंपल अपलोड एंड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में, उसके बाद वेल डन बोल के फाइनल एप्लीकेशन आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा, जहाँ पे कौन सा नाम से पैन कार्ड अप्लाई हुआ था वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। सो गाइज, इस तरह से आपको फाइनल सबमिट करना है। तो उसके बाद अगर पैन कार्ड आरेशन करो तो आपको 5 से 7 वर्किंग डेज वेट करना है। उसके बाद जो कूपन नंबर जनरेट हुआ था, उस कूपन नंबर से भी आप ट्रैक कर सकते हो। जब जनरेट हो जाएगा, ईमेल एड्रेस में वर्चुअल पैन कार्ड आ जाएगा, मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट करके आप यूज कर सकते हो। उसके बाद और भी नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स वेट करना है बाय पोस्ट में आपका एड्रेस में पैन कार्ड आने में। वो डिपेंड करेगा आपका लोकेशन का ऊपर, आपका पोस्ट ऑफिस का ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ कुछ एडमिन का 1 वीक में मिल जाते हैं, किसी को 2 वीक लग जाते हैं, किसी को 3 वीक भी लग जाता है, वो डिपेंड करेगा आपका लोकेशन का ऊपर। तो इसी प्रकार में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया था पैन कार्ड करेक्शन किस तरह से करना है। तो सेम प्रोसेस से अगर जो भी डिटेल्स को आपको अपडेट करना है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है एंड उसका साइड में जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में टिक करना है, बट फॉर्म को आपको सही से फिल करना है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस सब भी फिल करना है, कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आपका नेम का माइनर कुछ मिस्टेक है उसको सुधारना है एंड डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना है, तो आधार कार्ड ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसको सुधार कर सकते हो। बट अगर आपका फादर्स का नेम गलत है, तो फादर्स का नेम आधार कार्ड से अपडेट नहीं होगा, उसको करेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो वोटर आईडी कार्ड में अगर आपका फादर्स का नेम सही है, तो फादर्स का नेम आप करेक्शन कर सकते हो। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वोटर कार्ड का स्कैन कॉपी भी अपलोड करना है CS फॉर्म के साथ। तो इसी प्रकार में नेम, फादर्स नेम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ आप करेक्शन कर सकते हो एक ही फॉर्म में। तो गाइस, कुछ भी क्वारी से तो कमेंट कर सकते हो। आप अगर आप हमारे तरफ से एक पैन पोर्टल लेकर आपका बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हो, तो बहुत ही सस्ता दाम में आप पैन कार्ड का आईडी ले सकते हो, जहाँ पे हर पैन कार्ड बनाने का एंड पैन कार्ड करेक्शन करने में सिर्फ 100 रुपीज़ आपको चार्ज देना है। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।